ईडी ने गुरुवार को 3 लोगों को समन जारी कर रांची के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। इनमें झारखंड के तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, डीएसपी प्रमोद मिश्रा शामिल है। अवैध खनन से जुड़े मामले में अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू को 18 मार्च और डीएसपी प्रमोद मिश्रा को 19 मार्च को ईडी ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया है। अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को ईडी ने समन किया है। आपको बता दें कि तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे पिंटू को जो है ईडी ने समन किया है और 18 मार्च को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं डीएसपी प्रमोद मिश्रा को भी ईडी का समन भेजा गया है और प्रमोद मिश्रा को 19 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हेमंत सोरेन के पूर्व प्रेस सलाहकार है अभिषेक प्रसाद और पिंटू, जिन्हें 18 मार्च को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। वही डीएसपी प्रमोद मिश्रा को भी ईडी का समन भेजा गया है। प्रमोद मिश्रा को 19 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सत्यव्रत जो हमारे साथ फिर से जुड़े हैं उनका रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए ईडी ने गुरुवार को 3 लोगों को जो है समन जारी कर रांची के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है, जिसमें झारखंड के तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू और डीएसपी प्रमोद मिश्रा भी शामिल है। और आपको बताया कि 18 मार्च को जो है पिंटू को बुलाया गया है, दूसरी तरफ 19 मार्च को जो है डीएसपी प्रमोद को बुलाया गया है। क्या कुछ बातें निकल कर सामने आ सकती है इस पूछताछ के दौरान? देखिए, बिल्कुल सही कहा अनुष्का आपने कि जमीन घोटाला और अवैध मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जांच कर रही ईडी के अधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नजदीकी और प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू को समन भेजा है और कहा है कि पिंटू जो है वो 18 मार्च को ईडी के हिनो स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे ताकि ईडी के अधिकारी उनसे जमीन घोटाला और अवैध खनन मामले में पूछताछ कर सके। वहीं रांची हटिया के डीएसपी हैं प्रबोध मिश्रा, जो कि पूर्व में साहेबगंज के डीएसपी थे, उन्हें भी समन भेजा गया है ईडी कार्यालय के द्वारा और 19 मार्च को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। डीएसपी प्रमोद मिश्रा से भी अवैध खनन मामले में कई तरह की पूछताछ होनी है। साथ ही डीएसपी प्रमोद मिश्रा पर यह आरोप है कि साहेबगंज रहते वक्त उन्होंने अवैध खनन मामले के किंग पिन यानी कि पंकज मिश्रा और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को क्लीन चीट दे दिया था, जबकि उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। उसके अलावा एक टॉल मामले में भी उन्होंने एक पूर्व मंत्री को जो है वो क्लीन चीट दिया था, यानी कि डीएसपी प्रमोद मिश्रा पर भी कई तरह के आरोप हैं, जिनकी जानकारी और प्रमोद मिश्रा से सघन तरीके से पूछताछ ईडी के अधिकारी करना चाहेंगे। उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नजदीकी और उनके प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद पिंटू, जिनसे पहले भी ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है, जिनके ठिकानों पर पहले भी ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की थी और उस दौरान ईडी के अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण डिजिटल दस्तावेज बरामद हुए थे। अवैध खनन और जमीन घोटाला मामले में अभिषेक प्रसाद और पिंटू जो है वो ईडी के मुख्य आरोपी की तरह है और लगातार उनके इर्द गिर्द जो है वो कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो कि ईडी के अधिकारी सम्मन के द्वारा जब पूछताछ के लिए अभिषेक प्रसाद और पिंटू को ईडी कार्यालय बुलाएंगे तो उनसे जानना चाहेंगे। यानी कि जमीन घोटाला और अवैध
खनन मामले की जांच कर रही ईडी एक बार फिर से रेस हो गई है और कई लोगों को समन किया जा रहा है पूछताछ के लिए। तो आने वाला 18 और 19 मार्च बताएगा कि अभिषेक प्रसाद और पिंटू और हटिया डीएसपी उस वक्त के साहेबगंज के डीएसपी रहे अभी प्रदीप मिश्रा से जो है वो क्या कुछ पूछताछ हो पाती है और जमीन घोटाला अवैध खनन मामले में क्या कुछ जानकारी अभिषेक प्रसाद और पिंटू और प्रमोद मिश्रा से जो है वो ईडी के अधिकारियों को मिल पाती है। तो फिलहाल एक बार फिर ईडी जमीन घोटाला और अवैध खनन मामले की जांच में तेजी ला रहा है। अनुष्का बिल्कुल, अब देखिए पूछताछ जब होती है उस दौरान और भी क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है इसका इंतजार रहेगा जब वो पहुंचते हैं ईडी कार्यालय और पूछताछ होती है उस वक्त का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए सत्यव्रत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।